हो गए। 40 वर्ष में बीजेपी गायों का बीमा नहीं कर पाई। जिस घर में लंबी बीमारी के बाद एक गाय की डेथ हुई उसको 40,000, दो गाय की डेथ हुई तो उसको 80,000 रुपए राजस्थान की सरकार ने दिए। पूरी दुनिया में पहला उदाहरण है जब गौ माता की मौत होने पर उसके मालिक की आत्मा रुचि लंबी के कारण सरकार ने दो गाय के 80,000, एक के 40,000 रुपए दिए, गायों का बीमा कर दिया। आप कह रहे हैं 1500 गायों का बीमा हो, बीमा शुरू हो गया। टाइम लगता है किसी भी काम में। 5 साल में 2.5 साल तक कांग्रेस की गहलोत सरकार ने लड़ाई लड़ी कोरोना से, लेकिन जो 2.5 साल में हमने रिकॉर्ड काम किया, आदमी का 25 लाख तक का इलाज फ्री है। राजस्थान पहला राज्य जहां पर जानवरों की दवाइयां इलाज सब फ्री है। जब पिछली बार जब हम 2013 में आए थे सरकार में, तब हमने जानवरों का इलाज फ्री कर दिया था, गौ माता का हो, ऊंट का हो, बैल का हो, बकरी का हो। खाचरियावास जी, मैं आपको फिर से इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए इंटरप्ट सर आपको इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम योजनाओं पर सवाल नहीं उठा रहे सर। योजनाएं आपकी सारी टॉप क्लास, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन योजनाओं के जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। अरुण चतुर्वेदी जी साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले वो ये कह रहे थे कि आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ये योजनाएं लेकर आई, पशुपालकों को लाभ देने के लिए योजना नहीं लेकर आए, ये अभी अरुण चतुर्वेदी जी कह रहे थे। प्रताप जी, जो आप जिन महाशय का नाम ले रहे हैं ना, हाँ, उनके बारे में जाके सिविल लाइन्स में पूछो। एक बार वो एमएलए बने, मिनिस्टर बने, नहीं सुन रहे हो, आपको सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहे और ये भाई जवाब देगा कि पार्टी कभी गाय के लिए कुछ नहीं कर पाई। आप क्या बात कर रहे हैं, वो जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं, डायलॉग बाजी से तोड़ना होता है। गौ माता के मुद्दे पर बीजेपी वोट लेने का काम करती है, लेकिन बीजेपी ने गौ माता के नाम पर वोट लिया, किया कुछ नहीं। आप कह रहे हैं 1500 का आंकड़ा आया, अरे भाई 1500 का आंकड़ा आया है, 1500 का आंकड़ा आया, काम तो शुरू हुआ। इन्होंने तो गाय के लिए कुछ नहीं किया, गौ माता के लिए पैसे देने का काम हो, चाहे वहां पर हमने ये जितना भी वो सारा मामला हुआ, गौ माताओं की जितनी गौशाला है उनको फंड देने का काम हो, वो हमने ही तो किया, कांग्रेस की सरकार ने। बीजेपी ने तो 1 रुपया नहीं दिया, ना बीजेपी कभी दे पाई। जो काम हमने किया है वो काम तो हमारे खाते में, बीजेपी ये बता दे उसने क्या किया। बीजेपी से झूठ फरेब धोखे की राजनीति करती है और बीजेपी, चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे, और बीजेपी की जहां तक सवाल है, बीजेपी तो सिर्फ दंगे फसाद की राजनीति करके हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा दो, गौ माता के नाम पर दंगा करा दो, गौ माता को रोटी मत दो, चारा मत दो, पैसे मत दो गौशालाओं को। सारा पैसा कांग्रेस की सरकार ने ही तो दिया, इनके खाते में कुछ नहीं है, इनके खाते में झूठ फरेब और धोखा है, डायलॉग बाजी। चतुर्वेदी जी सुन लिया ना आपने, आपकी पार्टी की हकीकत बयां कर रहे खाचरियावास साहब। बीजेपी कभी कुछ कर पाए, ये बलबोले मंत्री जी सिविल लाइन्स में राजस्थान में खुद कांग्रेस पार्टी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी इनको भेज चुके हैं, कहाँ बोलते हो और कहाँ पहुँच जाते हो। इनका मुख्यमंत्री खुद अपने मंत्री के लिए बोल चुका, जो अपने सीओ का पता नहीं, आज ये बात बता दें खुद ही, लंपी हुई तो आपके राज में हुई और लंपी बीजेपी के राज में नहीं हुआ था। और 10 लाख पशु मरे और 10 लाख में से आप 40,000 को देने की बात करते हो, ये कैसे ताली बजाने की बात नहीं है। जिस कोविड की चर्चा की, उस कोविड के समय में यहाँ लोगों की आज हालत खराब थी, अस्पतालों में परेशान थे, मोटे मोटे बिल उनके आ रहे थे। ये खुद ही ये सज्जन जो बोल रहे थे आप, बड़बोले मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि किसी का भी हो हम उनका रिएम्बर्स कराएंगे, उनका खर्चा बिजली भी नहीं लगेगा। आदमी के मकान बिक गए, एक का चिरंजीवी का लाभ नहीं मिला। अब बड़ी बड़ी बातें करते हो आप लेकर के, कोविड के समय तो आप स्वामी निष्ठा होटलों में बैठ करके नहीं, वो तो कह रहे हैं चतुर्वेदी जी, प्रताप खाचरियावास जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोग गायों के नाम पे दंगा करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने 1500 किया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो हमने किया, आपने तो वो भी नहीं किया। आप तो गायों का सहारा लेते हैं, गौ माता जिंदाबाद बोलते हैं, गौ माता की जय हो बोलते हैं, उन्हीं के नाम पे दंगा कराते हैं। लंपी आया तो कांग्रेस के राज में आया, लंपी हाँ, गायों के मरने की स्थिति आई तो उस समय आई, और जिस समय नहीं, अब लंपी डिजीज के पीछे तो कांग्रेस का हाथ नहीं है ना, कर रहे थे लंपी के। उस समय जब 10 लाख गाय मरी, आप गायों में उस समय केवल 40,000 गायों को प्रताप खाचरियावास जी जुड़ गए, चतुर्वेदी जी, प्रताप खाचरियावास जी जुड़ गए। खाचरियावास जी, तो आपको बड़बोला मंत्री बता रहे हैं, कह रहे हैं आप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, आपकी बात को क्या गंभीरता से लेना।
खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत बोलते हो, कहाँ शुरू करते हो कहाँ चले जाते हो पता नहीं रहता है। आज अलग अलग भेद बदल करके इनका पता नहीं चले करके वहाँ के रवान से लेकर के बाद उसके बाद इन्होंने 5 साल तक यही ईट नहीं लगाई। इनसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं थी, इनको जनता सर्टिफिकेट दे देगी, सर्टिफिकेट तो आपको भी नहीं दिया। जनता जानता है, देखा जो सरकार उसके ऊपर सारे पत्थर लगा करके आपने राजस्थान काम तो सड़कों के सामने काले ट्रांसपोर्ट का घोटाला सुना है कांग्रेस के काम किया सरकारों से लड़कर जनता का काम करता है। आज भी रोक लगाने पहले अपने जिले जयपुर जिले में तब मैंने बाहर निकल कर बीजेपी तो घर में अब निकल कर आए भाई साहब चुनाव के जो भाई साहब है अरुण चतुर्वेदी साहब, ये भाई साहब सोचते रहे 5 साल तक और मैं बाहर निकल कर आया दीजिए। आप कहाँ थे? जयपुरी रखा कोविड में दक्षिण नहीं होने दिया, जरूरत थी सरकार तो मैं लड़ा आपके सब तरह बातें भी की भाई साहब बातें ही बातें करते हैं। इन्होंने कोविड में जब आम आदमी काल की मेरा जन्म बना पाए एक ईंट नहीं लगा पाए जनता के साथ नहीं थे। अभी मैं आई नहीं लगा रहा हूँ ये वहाँ पे खड़ा हुआ है मीडिया में दिखते हैं कि ना आप एमएलए हो ना सरकार में भी तो आप सरकार में बोले हो तो क्या हो तो मंत्री बोल बोलते नहीं। खाचरावाद जी देखिए खाचरावाद जी सुनिए, अरुण जी ये कह रहे हैं, अरुण जी बार बार यही कह रहे हैं और इसी बात को बार बार वो हवाला दे रहे हैं, सरकार आपकी लंपी बीमारी आई आपकी सरकार में तो जवाब भी तो आप ही से लिया जाएगा ना। अब इसमें बीजेपी को कहाँ घुसा रहे हैं आप बीच में खाचरावाद जी। प्रताप जी आप एक बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि लंपी बीमारी आई तो जवाब तो आपसे लिया जाएगा, तो हम दे रहे हैं ना जवाब। मैं यही कह रहा हूँ इसलिए पूछा जा रहा है बीजेपी की सरकार ने किया और राजस्थान की सरकार ने सेवा की का बीमा देंगे 1 करोड़ में से 1500 को बीमा किसी के घर में जाकर के गाल बजाने का काम कर रहे हो लोगों को गाली बजाने का। आपने 4 महीने पहले ध्यान नहीं योजना माता के नाम पर राजनीति करना भगवान राम केवल वेश बदल बदल करके ये तो वही वाली बात हो गई प्रताप जी, तो वही वाली बात हो गई। आप कह रहे हैं गौ माता के नाम पर राजनीति ये कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप योजनाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। योजनाएं ले आओ जमीन पे लागू हो या ना हो राजनीतिक लाभ उठा लो चुनाव जीत के निकल लो, यही योजना थी आपकी। ये पशुधन बीमा योजना थोड़ी ना थी, चुनाव के समय देखिए वोटों की बदल काटी जाए नारे और बातें एक आधार पर बदल करने की बात हुई है। एक आवाज योजना थी, अगर आप उसको करना था 3 साल पहले लेके आते ना 4 महीने पहले क्यों कर रहे हैं आपको ये तो जनता के नहीं 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 जाहिर तौर पर अरुण जी जाहिर तौर पर आपने 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 बहुत बड़ी बात कह दी। प्रताप जी एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा, मेरे पास समय बड़ा सीमित है। प्रताप जी देखिए बार बार आपकी सारी योजनाओं की तारीफ हुई, हमने भी खुले मंच से तारीफ की, आपकी योजनाएं सारी आले दर्जे की रही सर, लेकिन इन योजनाओं की याद आपको चुनाव से 6 महीने पहले ही क्यों आई, इसका क्या जवाब है प्रताप जी? लोग इनसे पूछ रहे आप 5 साल क्यों नहीं आए, आप विरोध में थे तो विरोध में आप नहीं विरोध में आए, चुनाव से 5 महीने पहले याद क्यों आई, 5 साल पहले याद क्यों नहीं आई, ये बात हो रही है। घमंड हो गया जब एमएलए बने राज्य मंत्री बने तो लोगों से बात अपनी डफली अपना राग वाला हाल है। खैर नहीं बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रताप जी बहुत शुक्रिया आपका आप जुड़े लेकिन जो जवाब मैं चाह रहा था वो जवाब मुझे मिला नहीं। मैं वही जानना चाह रहा था कि इन योजनाओं का याद आपको 4 महीने चुनाव से पहले क्यों आई, 4 साल पहले लागू कर देते तो आज ये आंकड़े कुछ और होते और लोगों को लाभ भी मिल रहा होता और आपके ऊपर आरोप भी नहीं लग रहे होते। खैर बहुत शुक्रिया आपका प्रताप खाचरावाद जी और अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। काशीराम हमारे सहयोगी लेकिन लगातार बने हुए हैं, हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, राजकुमार शर्मा जी बने हुए हैं, मनीष पारिक साहब बने हुए हैं, लेकिन काशीराम मैं आपसे अब समझना चाहूंगा। देखिए आपने तमाम नेताओं के पक्ष सुने, तर्क कुतर्क सुने, लेकिन ये योजनाएं इन इस प्रकार की योजनाओं पर पलीता क्यों लग जाता है, बतौर रिपोर्टर आप कैसे इसको बताएंगे, जनता को कैसे समझाएंगे कि योजनाएं आखिर किस मंशा के साथ आती हैं और धरातल पर लागू क्यों नहीं हो पाती हैं? काशीराम जी आशीष देखिए अरुण चतुर्वेदी जी की बात को मैं लेना चाहूंगा। एक बार 10 लाख गायों की उन्होंने मौत का बात कही, हालांकि 10 लाख गायों की मौत तो नहीं हुई है, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जो पशुपालन विभाग ने जारी किए उनमें 78,000 गायों की मौत हुई, लेकिन ये भी कम दर्शाए गए आंकड़े। जो विशेषज्ञ हैं गौपालन विशेषज्ञ हैं गौसेवा समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका दावा ये था कि करीब 2 लाख से ज़्यादा गायों की मौत तो हुई है राजस्थान में।
और उनमें जब बीमा देने की बात आई तो पहले फेज में महज 41,800 गायों को बीमा दिया गया, मतलब राशि दी गई, आर्थिक सहायता दी गई, 40,000 रुपए प्रति गोपालक को दिए गए, और बचे हुए जो थे यानी कि करीब 1.5 लाख के आसपास जिन गाय और गोपालक बचे हुए थे उनको सहायता राशि नहीं मिल सकी। और अगर आधिकारिक आंकड़ों की भी अगर हम बात करें तो 78,000 गायें तो खुद गोपालन पशुपालन विभाग मानता है कि हमारी आधिकारिक आंकड़ों के रूप में गायों की इतनी मौत हुई है, उनमें से भी पहले फेज में 41,800 और उसके बाद कुछ 5-7,000 और गायों को गोपालक जो है उनको आर्थिक मदद दी गई। यानी उसमें भी राज्य सरकार ने पहल तो की लेकिन जो सहायता पूरी तरह से मिलनी चाहिए थी वो कम संख्या में मिल सकी है, उसकी भी विवेचना हम कभी बाद में करेंगे। और जो पशुधन बीमा योजना की अगर हम बात करें तो वो योजना तो फिलहाल पूरी तरह से फ्लॉप, मतलब कुल जमा यही है काशीराम, कुल जमा देखिए कुल जमा यही है कि योजनाएं अगर ये योजनाएं अगर 6 महीने पहले नहीं 2.5 साल पहले लागू हो जाती या 3 साल पहले लागू हो जाती तो ये आंकड़े कुछ और होते, 1500 की जगह 1,500,000 हो सकता था आंकड़ा कि इतने पशुधन जो पशुपालक है उनको पशुधन बीमा योजना का लाभ मिला है। लेकिन शायद जल्दबाजी या हड़बड़ी आप चावी जो भी संज्ञा दे दें, लेकिन आंकड़े जो है वो यही गवाही दे रहे हैं कि इतने गंभीरता से इस योजना को लिया नहीं गया। 80 लाख का दावा, 1500 का बीमा, सवाल तो सरकार पर उठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, आप जुड़े, आपने वक्त निकाला। पारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, काशीराम आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बड़ी चीज यह है कि योजना